गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल पे द रॉयल एक्सप्लोरर। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हरिद्वार से, गंगा मैया के पास से। तो बोलिए हर हर गंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है महायोगी पायलट बाबा का आश्रम। और ये जो आश्रम है बहुत ही बढ़िया बनाया गया, बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया। इसका ऊपर जैसे नटराज की एक प्रतिमा है और सामने में एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर कि टाइमिंग्स दी हुई हैं कि आप कितने बजे आकर दर्शन कर सकते हैं। सो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं और आप उसी अनुसार आइए और आश्रम घूमिए। चलिए चलते हैं, अंदर चलते हैं। जैसे कि अंदर आते ही सबसे ऊपर में सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा झूमर है के साथ ही सबसे पहले महादेव हमारे भोलेनाथ का एक मंदिर है। सामने में नंदी जी बैठे हुए और ऐसे ही यहाँ पर कई सारे मंदिर बने हुए हैं। तो जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, बढ़ते ही सामने में एक दुकान बढ़ता है जहाँ पे कि आपको माला, लॉकेट या रुद्राक्ष वगैरह जो है आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है और क्या क्या चीज़ यहाँ पर बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे हम लोग इस गेट के से एंटर करेंगे तो स्टार्टिंग में ही गौतम बुद्ध का एक स्टैचू है और अंदर जाएंगे हम लोग बहुत सारे यहाँ पर स्टैचूज हैं, महात्मा गांधी का, भोलेनाथ का है और ऐसे कई सारे प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। आप लोग यहाँ पर जब भी आएंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया दिखता है और यह बहुत शांति है यहाँ पर। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं आपका शांति पाठ करने के लिए या हो गया आपका ध्यान लगाने के लिए। गंगा बगल में पीछे साइड में आश्रम के जस्ट पीछे ही गंगा जी का भी नदी है, वो भी आपको हम लोग दिखाएंगे आगे चल के। ये आप देख सकते हो जो समुद्र मंथन हुआ तो उनका स्टैचू प्रतिमा में सबसे अभी तक में जितनी भी सारी घटनाएँ घटी हैं सबका छोटा छोटा कुछ ना कुछ दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए चलते हम लोग आगे और जितने भी चीज़ें हैं आपको दिखाते हैं। जैसे हम लोग आगे चलेंगे और यहाँ पर कोट्स बहुत ही अच्छे अच्छे लिखे हुए जो कि मतलब बहुत ही करते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे शिव पार्वती दर्शन है यहाँ पे, तो जैसे हम लोग इसके अंदर में एंटर करते हैं यहाँ पे शिव पार्वती दर्शन है, कृष्ण भगवान के कुछ रूप हैं यहाँ पे जब वो शेषनाग पे बैठे हुए हैं, भोलेनाथ, पार्वती माँ, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी और भी अन्य जितने भी भगवान हैं उनके यहाँ पे प्रतिमाएँ हैं। और भाई इतना शांति मिलता है यहाँ पर आने के बाद, इतना शांति है कि मत क्या आप यहाँ पर आओगे और खो जाओगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते ही हमें ये एक दिखेगा भव्य सा बना हुआ जो कि सिद्ध गुरु समाधि है जहाँ पे कि जितने सिद्ध गुरु थे वो यहाँ पर समाधि लेते थे। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते ही हम लोग चलेंगे श्री कृष्ण लीला दर्शन में। तो यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है कि जो बाली और सुग्रीव के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका ये प्रतिमा रूप है। पीछे से राम जी ने जब बाण चलाया तो वो यहाँ पर दर्शाया गया। सो कृष्ण भगवान ने अपने बाल्यपन में जितनी भी लीलाएं रची हैं, जितने भी उन्होंने क्रीड़ाएं की हैं, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या क्या करा। ये जितने भी कांच के बॉक्सेस बने हुए हैं उसके अंदर में कुछ ना कुछ उनके जीवन काल के कुछ ना कुछ चीजें दर्शाई गई हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आगे देखते हैं भगवान विष्णु के दशावतार रूप को। इसी हम लोग बावन अवतार के दर्शन करके निकलेंगे। सामने में ये बहुत बड़ा लॉन है और ये जितनी भी गाड़ियां हैं ये आश्रम की हैं,
और सामने में जो बरगद का पेड़ दिख रहा है आपको, उनके नीचे में कुछ स्टैचूज हैं जो कि बुद्ध भगवान के हैं और उनके शिष्य के हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये है भोलेनाथ का बहुत बड़ा स्टैचू, चलिए आपको सामने से दिखाते हैं। तब तक आप लोग सिनेमेटिक्स एंजॉय कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नंदी महाराज का कितना बड़ा स्टैचू है और सामने में हमारे भोलेनाथ, सोचे लिए हर हर महादेव, और कितना भव्य स्टैचू है इनका। सो आप लोग दर्शन कीजिए। सो यहाँ पर रहने का भी आश्रम में बंदोबस्त है जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको आगे का आश्रम दिखाते हैं। आश्रम के अंदर में ऑडिटोरियम है, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पे आप इवनिंग में आकर बैठ सकते हैं। चलिए चलते हैं और आपको गार्डन दिखाते हैं। तो जैसे हम लोग गार्डन से बाहर निकले, गार्डन से बाहर निकलते ही जैसा कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा जू बनाया गया है जहाँ पे की ऑस्ट्रिच है, पिकॉक है और छोटे मोटे जानवर जो हैं, खरगोश, रैबिट वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर, जिससे जो है थोड़ा माहौल जो है मतलब शांति वाला वातावरण है। ये यहाँ आश्रम का सबसे बड़ा हवन कुंड है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं सामने में हमें भोजनालय दिखता है। जैसे कि आप सामने रूम देख रहे हैं कमरे, यहाँ पर टोटल 208 कमरे हैं। तो जैसे ही हम लोग लॉन से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा गली आते हैं और ये जैसे आप पार करोगे ना रास्ता, ये छोटा सा लाइन जैसे पार करोगे, उसके बाद भाई यहाँ पर मेन चीज़ आता है जो कि आश्रम का सबसे मेन चीज़ है। आप यहाँ आए और ये नहीं देखे ना भाई तो फिर कुछ नहीं देखा आपने। तो चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो मेन चीज़ आपका है ये, यहाँ पर शाम के टाइम पर 5:30 बजे के आसपास आपका भव्य आरती की का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर हमारे बाबा जी बैठते हैं जो पायलट बाबा हैं, वो कथा सुनाते हैं, वो आरती होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है और भाई बहुत ही शांति प्रिय है। आप आओ और यहाँ बैठो और यहाँ का आरती करना, वो भव्य दर्शन करो भाई, बहुत ही शांति मिलती है, बहुत शांति जी। थोड़ा सा और आपको थोड़ा दिखा दे बता दें, आगे चलते ही ऊपर बाबा जी का अपना कमरा है जहाँ पे कि वो विश्राम करते जब वो हरिद्वार आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको गंगा घाट दिखाने के लिए कहा था, तो चलिए चलते हैं आपको गंगा घाट दिखाते हैं। तो चलिए इतना ही आज के लिए, और आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप लोग आइए यहाँ विजिट कीजिए।